हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सागर मोबाइल कम्युनिकेशन पर। आज मेरे पास अब आई हुई है जियो ऐप 320 बी। इसमें नेटवर्क रनिंग की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं इसमें नेटवर्क रनिंग कर रहा है, बैटरी की तरह चार्ज हो रहा है बट इसमें कॉल नहीं लग पा रही है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फ़ोन को जल्दी से डिसेंबल कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके इसको जल्दी से खोल लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। मैं तुमको सीधे ट्रिक पे पहुंचाऊंगा कि नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें दो तीन स्टेप्स हैं, बस इनको फॉलो कर लिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे कि ये फ़ोन है मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद मैं इसकी कनेक्टिविटी चेक करूँगा एंटीने पे कि हमें एंटीने पे इसकी कनेक्टिविटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या कोई लाइन इसकी ब्रेक हो चुकी है या फाइव कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं हो चुका है। तो ठीक है, अब इसकी कनेक्टिविटी बराबर आ रही है, यानी कि इसमें सप्लाई का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका जो भी इश्यू है इसकी आईसी से है। आईसी को लगाने से पहले, बदलने से पहले दोस्तों, जो मैं आपको आज ये ट्रिक बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा समय भी बचेगा और आपका खर्चा भी बचेगा। ठीक है, नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन आप WTR को चेंज करने से पहले, WTR IC को चेंज करने से पहले इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए, हो सकता है आपका भी इसमें बहुत सारा टाइम बचे। मैं इसको ट्रिक को यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे लगभग 40% फ़ोन WTR IC लगाने से पहले ही रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार WTR निकाल के फेंक दें, उसका रीज़न एक ये भी होता है। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस WTR IC पे थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करूँगा। ठीक है, एमटेक का मेरा पेस्ट है, ये पेस्ट अच्छा होता है दोस्तों, क्योंकि ये पेस्ट कितना भी हीट करें इसको ये काला नहीं पड़ता है, अच्छा वर्क भी करता है। ठीक है, एमटेक का पेस्ट हो सकता है, आप सभी को ये पसंद आता होगा और आप यूज करते होंगे। ठीक है, मैं इसका कीपैड थोड़ा सा उतार लेता हूँ ताकि ये हीट करने से वर्न ना हो जाए, जल ना जाए। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले इस WTR को थोड़ा सा रीहीट करूँगा और इसको रीहीट करने के बाद जैसे कि मैं देखूँगा इसको इतना हीट करूँगा, इतना टेम्परेचर तक पहुँचाऊँगा जिससे कि इसकी वॉल दोबारा से सॉल्ड हो जाए और ये IC पूरी तरीके से बैठ जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ हमने IC को थोड़ा सा मूवमेंट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे पास ये हमारे हीट गन, हमने इसको आउट कर दिया है IC को, और अभी हम इसमें IC नहीं लगाए हैं, केवल इसको हीट किया है और इसको हम पहले चेक करने वाले हैं। चेक करने के बाद अगर सिग्नल नहीं आता है तो हम इसको आपको चेंज करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके सिम लगा के इसमें नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही बात मेरी आज की बताने की थी कि आप जब WTR IC लगाने के लिए तैयार हो किसी फ़ोन में, चाहे वो आपका जियो फ़ोन हो या फिर स्मार्टफोन हो, तो एक बार उसी IC को जो फ़ोन में लगी हुई है रीहोल्ड कर लें। रीहोल्ड करने के बाद पहले चेक कर लें कि वापस से वो रिपेयर हो चुका है या नहीं। नहीं होता है तब आप WTR चेंज कीजिए, लेकिन पहले आप एक बार हीट करेंगे WTR को, हो सकता है आपके भी 40% फ़ोन उसी तरीके से रिपेयर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।